बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदा स्टोरी के मुअज्जिज दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। जुबेदा खातून ने नहर जुबेदा बनवाकर बगदाद से अरबिस्तान तक पानी को पहुंचाया। वह औरत अपने बचपन में अपनी हमजोलियों के साथ झूला झूल रही थी और अपनी सहेलियों के साथ खुशगप्पों में मशरूफ थी। झूला झूलने के दौरान उसका दुपट्टा सर से सरक गया। दुपट्टा अभी उतरा ही था कि अजान की आवाज़ आई। उस नेक औरत ने फौरन झूला और अपना सर दुपट्टे से ढांपा। उसके बाद ज़िंदगी गुजार कर वफात पा गई। एक रिश्तेदार ने ख्वाब में देखा और पूछा, जुबेदा क्या बना तेरा? कहने लगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे साथ आसानी का मामला फरमाया। फिर उस शख्स ने ख्वाब में ही कहा, आपने लंबी नहर बनवाई थी, वही काम आ गई होगी। तो जुबेदा ने कहा, नहर तो बनवाई थी लेकिन वह मेरी मगफिरत का सबब न बन सकी। फिर उस सवाल करने वाले ने पूछा, फिर आपकी मगफिरत कैसे हुई? उसने बताया कि एक दिन मैं झूला झूल रही थी, उस वक्त मेरे सर पर दुपट्टा नहीं था। अजान होने लगी, लफ्ज अल्लाह सुनते ही दुपट्टा मैंने रख लिया, तो वह दुपट्टा जो मैंने अल्लाह की अजमत को सामने रखते हुए अपने सर पर रखा, मेरे इस अमल को अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी मकबूलियत हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तूने मेरे नाम की ऐसी ताज़ीम की, जा आज हम तुम्हें जन्नत में दाखिल करते हैं। नहर और दूसरे आमाल का तो पूछना ही नहीं, यह अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर होती है।